नूरपुर के बोर्ड में हिमाचल प्रदेश विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दुनीचंद ठाकुर ने की। इस बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। दुनीचंद ठाकुर ने कहा कि विद्युत बोर्ड प्रबंधक बर्ग द्वारा तकनीकी कर्मचारी संघ में वार्ता में मानी गई मांगों को लागू न करने पर गहरा दुख जताया है। नूरपुर के बोर्ड में हिमाचल प्रदेश विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दुनीचंद ठाकुर ने की। इस बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। दुनीचंद ठाकुर ने कहा कि विद्युत बोर्ड प्रबंधक वर्ग द्वारा तकनीकी कर्मचारी संघ में वार्ता में मानी गई मांगों को लागू न करने पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधक तकनीकी कर्मचारियों जो कि कम संख्या होते हुए भी बोर्ड के कार्य को सुचारू रूप से चला रहा है, लेकिन बोर्ड प्रबंधक तकनीकी कर्मचारियों की मांगों को लागू करने पर सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिसमें तकनीकी कर्मचारियों के मानव हित 33 KV उपकेंद्रों के पद सृजन करना, जूनियर टीमेटो का जूनियर शब्द हटाना, वो पदोन्नति तकनीकी कर्मचारियों की ग्रेड पे की 2 वर्ष की शर्त हटाना, वो 48 श्रेणियों की वेतन विसंगतियों को 4 वर्ष बीत जाने पर भी दुरुस्त ना करना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा घोषित तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू ना करना, बोर्ड प्रबंध वर्ग की कार्यशैली पर सवाल उठता है कि बोर्ड तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती ना करके इनका शोषण कर रहा है। दुनीचंद ने कहा कि अधिकारियों द्वारा खरीदा गया सामान, कंडक्टर केबल, ज्वाइंट बॉक्स, मीटर मेटल बॉक्स आदि सामान विद्युत स्टोरों में सड़ रहा है। अगर बोर्ड प्रबंधक बर्ग इन अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं करेगा तो तकनीकी कर्मचारी इनका पर्दाफाश करेगा। दुनीचंद ने कहा कि 1996 से खरीदी गई 22 केवी की केबल सेंट्रल स्टोर में पड़ी है, जिसका उपयोग न होने के कारण ये पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड में आए दिन तकनीकी कर्मचारियों की दुर्घटनाओं पर बोर्ड द्वारा कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया। संघ ने कहा कि दुर्घटना में मृतक के परिवार को सहायता राशि तत्काल नहीं मिल रही है। मैं दुनीचंद ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष तकनीकी कर्मचारी संघ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले कल प्रदेश के पदाधिकारियों की मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग का मेन उद्देश्य हाल ही में विद्युत बोर्ड द्वारा कुछ डिमांडें स्वीकार की हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में थी। सभी तकनीकी कर्मचारियों ने मीटिंग के दौरान अपनी चिंता जाहिर की कि आसान से आसान समस्या भी विद्युत बोर्ड हल करने में विद्युत बोर्ड जो हल करने में नाकामी दर्शा रहा है या ढुलमुल नीति अपनाए हुए हैं। हमने बार बार आग्रह किया फ़ोन के माध्यम से भी, लेकिन ऑर्डर जारी नहीं किए जाते हैं। हमें यह विषय बड़ा खेदजनक है और आज भी जिला अधिवेशन कांगड़ा का रखा गया था, जिसमें पूरे जिला कांगड़ा के तकनीकी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सभी कर्मचारियों ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि विद्युत बोर्ड प्रबंधक वर्ग जो है तकनीकी कर्मचारियों के डिमांडों के प्रति सजग नहीं है, जानबूझकर छोटी से छोटी डिमांडों के भी लटकाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा जो उन्होंने पहले तकनीकी कर्मचारियों की थी वो पूरी हो गई है, लेकिन 21 जनवरी के 8वें अधिवेशन में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने कुछ जनरेशन में कार्य कर रहे और सबस्टेशन में कार्य कर रहे कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी इसमें कोई कार्यवाही नहीं की। हमें दुख होता है कि विद्युत बोर्ड प्रबंधक वर्ग जो है मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाओं के ऊपर भी अमल नहीं कर रहे हैं, और यदि अभी इसी महीने के एंड में हम सीनियर अधिकारियों के साथ मिलेंगे, यदि हमें लगता है कि वो हमें दृढ़ आश्वासन इस संबंध में देंगे, अन्यथा अगर नहीं देंगे तो हम इसी महीने के अंत तक आपातकालीन बैठक बुलाकर आगे की रणनीति चाकोट करेंगे।